हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है तनीषा। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम टू दिस चैनल। एंड आज का ये हॉल होने वाला है मीशो हॉल, जो कि मीशो कुर्ती हॉल। एक्चुअली मैंने इसमें कुर्ती और कुर्ता सेट्स दोनों ही लेके आई हूँ। बहुत दिनों बाद मैं ऐसा कुछ वेस्टर्न के अलावा कुछ कर रही हूँ, तो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद है एथनिक और इंडियन वेयर टाइप का लुक। एंड आज मैं आपको ना लाइक ट्राई ऑन करने के साथ साथ आपको मैं वो दिखाते जाऊंगी, ताकि आपको और अच्छे से पता चले कि वेदर इज लुकिंग गुड और नॉट एंड एवरीथिंग। ये जो कुर्ते मैं अभी पहन के बैठी हूँ, ये है मीशो से ही। एंड ये मुझे सिर्फ और सिर्फ 576 और समथिंग लाइक दैट, उसका एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ लिख दूंगी। इतना ज्यादा खूबसूरत है ये कुर्ता। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्ता नहीं है, ये कुर्ता सेट है। एंड अभी उस कुर्ते के नीचे मैं जीन्स पहन के बैठी हूँ, क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली आपको ना इसका बॉटम दिखाना था, जो की इतना ज्यादा प्रिटी है। तो ये कुछ तो ऐसे धोती स्टाइल में है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड ये रहा, यहाँ पे आपको लेस का वर्क मिल जाएगा, लाइक गोटा पट्टी वर्क है यहाँ पे, पूरा गोल्डन लेस का वर्क है। एंड नीचे की तरफ कुछ इस तरह का यहाँ पे ऐसे आपको कट मिल जाएगा, और वहां पे ऐसा लेस बना हुआ है। जस्ट लुक एट द डिटेलिंग, मुझे ये डिटेलिंग इतनी ज्यादा पसंद आई थी। पीछे की तरफ भी पूरा है, कोई हिसाब से 500 का सेट लग ही नहीं रहा है। भाई मटेरियल भी बहुत ही अच्छा है, एकदम कॉटन टाइप का मटेरियल है। चलो मैंने ये कुर्ता और ये डाल लिया है, आप देख सकते हैं कितना प्रिटी है ये, इसका वर्क और डिटेलिंग, और इसका ये पूरा डिटेलिंग इतना ज्यादा खूबसूरत है, इतना प्रिटी है। मैं साइड में फुल लेंथ का लुक भी लगा देती हूँ, आप देख सकते हैं ये साइड में पूरा फुल लेंथ का लुक भी आ जाएगा। तो ये रही कुर्ती, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एकदम ही लॉन्ग लेंथ की ये है, आप देख सकते हैं बहुत ही प्रिटी सी लॉन्ग लेंथ की है, बट बहुत ही कंफर्टेबल येलो कलर का ये स्टाइल है। एंड ये नेक लाइन मुझे बहुत प्रिटी लगा, लेस बहुत प्रिटी लगा, सब कुछ बहुत ही क्यूट टाइप का है। एंड इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल, मस्त वाला कॉटन मटेरियल का है, बहुत प्रिटी लगता है, क्यूट है, वेरी वेरी लाइक समरी ऑप्शन है ये आपके लिए। ये आपको कॉलेज वेयर में भी बहुत अच्छा लगेगा, ये कुर्ती जो है ये ऑफिस वेयर में भी बहुत प्यारी लगेगी, बहुत प्रिटी लगेगी। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, ये किसी ओकेजन में, जैसे कि अगर कोई पूजा वूजा है घर में, या फिर कोई फंक्शन है ऐसे पूजा टाइप की, तो इसमें इतना प्यारा लगेगा। यानी ये सिर्फ 343 की है, तो मुझे तो इतना ज्यादा पसंद आया ना ये कुर्ता। इसमें एक स्लीवलेस ऑप्शन भी है रेड कलर का, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। ये वाला मैंने लिया है एक्चुअली स्मॉल साइज में, एंड उनके साइज चार्ट में ना स्मॉल साइज में मेरा ही साइज आ रहा था, लाइक 34 बस, लाइक 34 भी नहीं 36 बस था। तो मैंने स्मॉल साइज ही मंगवाया, बट इट टर्न्स आउट कि मुझे थोड़ा सा ऐसे एकदम फिटेड बैठ रहा है, ऐसा नहीं कि इट्स वेरी टाइट और एनीथिंग लाइक दैट। मुझे थोड़ा सा ऐसे ढीला टाइप का जो कुर्ता रहता है ना, मुझे ज्यादा पसंद है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको फिटेड स्टाइल चाहिए कि आपको थोड़ा सा ढीला स्टाइल चाहिए। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कुर्ती, जो की है एकदम क्यूट सी शॉर्ट कुर्ती। मुझे शॉर्ट कुर्ती इसका स्टाइल इतना पसंद है, क्योंकि आप उसको जीन्स के साथ डाल सकते हैं, आप उसको कोई सलवार के साथ डाल सकते हैं। पर देख लो क्लोजअप में, एकदम ब्यूटीफुल सा लाइट पिंक कलर है इसका, लाइट पिंक टू पीच कलर। एंड उसमें आप देख सकते हैं कि एकदम फ्लोरल प्रिंट है, एकदम समर एप्रोप्रिएट, अगेन एकदम समर वाइब दे रहा है मुझे। एंड अगेन ये सिर्फ और सिर्फ 355 रुपीज की है, जो की बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। हाय यार, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्रिटी है ये। थोड़ा सा ऐसे फ्रॉक टाइप का इसमें स्टाइल है, एंड एकदम फिटिंग मुझे इसकी परफेक्ट लगी। मुझे ऐसी फिटिंग ही पसंद है, बहुत ज्यादा टाइट वाली फिटिंग भी मुझे कुर्ते में नहीं पसंद है। एंड इसके पास यहाँ पे साइड में ये वाला जो आप देख सकते हैं स्ट्रिंग्स दी हुई है, तो उसको हम लोग टाई अप कर सकते हैं ऐसे। पीछे से ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, एकदम सेम प्रिंट है ओवरऑल प्रिंट। एंड ये फिलहाल मैंने ये कुर्ती ये धोती के साथ पहनी, इसके साथ भी कितना अच्छा कॉम्बिनेशन ये बैठ रहा है। ये वाली जींस के साथ वाइड लेग रिप टाइप की जींस है, इसके साथ मैंने ये पहना था, एंड वो इतना स्मार्ट एस्थेटिक आ रहा था लिटरली। अगर हम फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन में ना एक स्किन का ग्लो रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसके लिए ना बार बार जाके फेशियल करवाना, पूरा क्लीन अप करवाना सैलून में जाके, बहुत बड़ा खर्चा भी होता है। तो मेरे पास ना एक्चुअली एक इतना अमेजिंग होम फेशियल किट है, तो दिस इज कॉल्ड देयर उपटन फेशियल किट है पूरा पैक। एंड इसमें 6 अलग अलग आइटम्स आप देख सकते हैं, तो ये 6 स्टेप्स का फेशियल रूटीन है, जो कि आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं, एकदम सैलून लाइक फिनिश आएगा। बाय द वे ये 1 टाइम का पैक है, तो आप इसको यूज करेंगे और ये खत्म हो जाएगा, तो इसमें कोई मेस भी नहीं है और ये बहुत हाइजीनिक भी है। बाय द वे इसके अंदर है टर्मरिक, जिसमें है एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज, जो ब्राइटन करता है आपकी स्किन को। सैफरन है, जो कि सेल रिपेयर करता है एंड एकदम नेचुरल सा ग्लो देता है। एंड ग्लिसरिन की वजह से स्किन हाइड्रेट होती है, एंड जो नेचुरल जो मॉइस्चर बैरियर होता है ना, उसको स्ट्रेंथन करता है स्किन के। फर्स्ट स्टेप में मैं क्लेंजिंग मिल्क लूंगी फॉर डीप क्लेंजिंग द फेस। तो मैं क्या करूंगी ना, कॉटन पैड में थोड़ा सा क्लेंजिंग मिल्क डाल लूंगी एंड उसको अप्लाई करूंगी फिर ऑल ओवर माई फेस। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं ना कोई भी प्रोडक्ट ना रह जाए फेस पे, या फिर कोई भी तरह की इम्प्योरिटीज या डर्ट वगैरह ना रहे फेस पे। एंड देन सेकंड स्टेप इज फेस स्क्रब, जिससे आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं डेड स्किन सेल्स को। तो आप इसको थोड़ा सा अमाउंट लेके 2 से 3 मिनट तक मैं अच्छे से इसको स्क्रब करूंगी अपने नोज एरिया में, चीक्स में। एंड देन वी हैव थर्ड स्टेप, दैट इज
सूदिंग जेल टू हाइड्रेट योर स्किन. इसको हम जस्ट नॉर्मल एप्लीकेशन करना है एकदम क्रीम की तरह एंड जस्ट मसाज इट अंटिल इट गेट्स एब्जॉर्ब. देन वी हैव द मसाज क्रीम टू इंप्रूव द ब्लड सर्कुलेशन. तो 5 से 10 मिनट तक अच्छे से इस मसाज क्रीम को हम लेंगे एंड एकदम अच्छी तरीके से उसको मेरे पूरे फेस में सर्क्यूलर मोशन में मैं उसको अप्लाई करूंगी. देन 5th स्टेप वी हैव फेस मास्क टू ब्राइटन योर स्किन. तो 15 मिनट तक मैं ये फेस मास्क अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी एंड देन थोड़ा सा वेट करने के बाद 10-15 मिनट के बाद आई विल रिंस इट ऑफ. देन लास्टली वी हैव द उपटन रेडियंस एंड ग्लो क्रीम टू लॉक इन द मॉइस्चर ऑन टू योर स्किन. अच्छे से अमाउंट लेके पूरा फेस और नेक पे लगा लूंगी एंड आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अच्छा फ्रेश लुक आ रहा है मेरे स्किन का. बाय द वे मामा अर्थ इज ऑल्सो अवेलेबल इन द ऑफलाइन स्टोर्स नियर यू. ऑल मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर ऑल सेफ एंड आर ऑल केमिकल फ्री एंड एवरी टाइम यू परचेज फ्रॉम देम दे लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट एंड दे हैव एन इनिशिएटिव टू प्लांट 1 मिलियन ट्री बाय द एंड ऑफ 2025. बाय द वे दे आर ऑल्सो प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड एंड अगर आपको उनके वेबसाइट पर 20% ऑफ चाहिए उनके वेबसाइट और उनके ऐप में अब मेरा कोड यूज कर सकते हैं Tanisha2023. उसके अलावा वो Amazon, Purple, Nykaa, Flipkart हर जगह अवेलेबल है. तो दैट इज अ विन विन. मैं उनका लिंक नीचे डाल दूंगी. डेफिनेटली इसको ट्राई करना एक बार. एंड अब चलते हैं नेक्स्ट कुर्ती की तरफ. है मेरी फेवरेट कुर्ती. फुल सा मिरर वर्क है इसमें. पूरा हर जगह पूरा चिकनकारी वर्क किया गया है व्हाइट कलर से. आपको स्लीव्स में यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे भी है स्लीव्स में एंड पीछे की तरफ भी आपको ये वाली डिटेलिंग मिल जाएगी. जिसको मैंने परचेज किया था ओनली 569 रुपीज में. तो मुझे लगा था कि इतनी अच्छी डिटेलिंग नहीं होगी या तो फिर मिरर वर्क वगैरह कुछ तो मिसिंग होगा. बट लिटरली इनका फिनिशिंग से लेकर एवरीथिंग इज सो अमेजिंग. तो इसका ना इनर भी मिल जाएगा. तो ये है कुछ इनर इसका एंड इनर पैटिंग जब एक दो बार आप यूज करेंगे ना तो आपको ये उतना कंफर्टेबल नहीं लगेगा. धीरे धीरे एक दो बार जब आप पहन लेंगे उसके बाद ये काफी सॉफ्ट हो जाएगा. ये मटेरियल कुछ वैसा टाइप का है बट अदरवाइज इसके अंदर तो मैं कुछ भी पहन सकती. कोई न्यूट्रल की स्पेगेटी या व्हाइट स्पेगेटी सब कुछ जाएगा इसमें. इसमें ये ट्राई करके मेरी फ्रेंड यहाँ पे है उसको तो ये कुर्ती बहुत ही ज्यादा पसंद आई है. एक्चुअली जब हम मंगवा रहे थे ना तो हम दोनों डाउट में ही थे कि इतनी अच्छी आएगी कि नहीं. सुंदर सी डिटेलिंग इसमें आ रही है. नेकलाइन वगैरह एवरीथिंग इज वेरी प्रिटी एंड ये ना हल्का सा ऐसे लूज फिटर है और मुझे लूज फिट ही सबसे ज्यादा पसंद है. आई वॉन्टेड इट टू बी लूज फिट एंड ये वाला जो है ना साइज जो मैंने मंगवाया है ये लार्ज साइज का है क्योंकि स्मॉल और मीडियम अवेलेबल नहीं थे. कोई जीन्स के साथ पेयर अप करेंगे ना तो और ज्यादा बेटर लगेगा. ये मुझे वाइड लेग जीन्स के साथ इसका इफेक्ट बहुत पसंद है एंड इसका कलर ऑप्शन तो इतने सारे है. कोई भी कलर का नाम लो, ग्रे हो, व्हाइट हो, रेड, पिंक, ब्लू, येलो, ग्रीन, लाइक हर एक कलर में ये अवेलेबल है. लास्ट कुर्ता फॉर द डे ये है इस पिंक कलर का ये कुर्ता है. ये जो मैंने पिक्चर इसका देखा था मैं यहाँ स्क्रीन में लगाती हूँ. ये पिक्चर है जो मैंने एक्चुअली परचेज करते वक्त देखी थी जो कि एकदम डिफरेंट ही वाइन कलर का था. लेकिन इट्स नॉट लाइक कि खराब है. ये भी बहुत ज्यादा प्रिटी है. आप इसका मिरर वर्क फिर से देख सकते हैं कितने इंट्रिकेटली और एकदम फिनिशिंग के साथ इसका वर्क किया है. पूरे नेकलाइन में इसका वर्क है एंड देन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ऐसे रुचर टाइप का मिल जाएगा एंड स्लीव्स में बहुत ही प्रिटी से ऐसे जिगजैग टाइप के वी शेप में ऐसा अच्छे से उन्होंने मिरर वर्क फिर से यहाँ पे किया है. पूरा प्रॉपर सेट है एंड इसके साथ जो इसका पैंट्स मिलता है कॉटन मटेरियल में आपको पैंट मिल जाएंगे एंड ये एकदम नैरो वाले पैंट है. ये रही कुर्ती, ये है इसका एंटायर लुक. इसका नेकलाइन वगैरह बहुत प्रिटी लग रहा है एज यूजुअल एंड ये भी बहुत प्रिटी है. बट मैं बता दूं कि इसका पैंट बहुत ही अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये कॉटन मटेरियल का है ना. मैं लिटरली अपने पैर भी मूव नहीं कर पा रही हूँ. एकदम अच्छी फिटिंग नहीं है इसकी. मतलब फिटिंग अच्छी है लेकिन इसका साइज मैंने गलत मंगवाया होगा. ये मैंने स्मॉल साइज में मंगवाया है जो कि काफी ज्यादा फिटेड लग रही है. साइज चार्ट आपको प्रॉपरली देखना चाहिए. तो अगर आप ये कुर्ता सेट ले रहे हो तो प्लीज एटलीस्ट 2 साइज ऊपर की ही लेना. एटलीस्ट 1 साइज ऊपर तो लेना ही लेना क्योंकि ये है तो बहुत ज्यादा प्रिटी. तो मैं तो इसको एक्सचेंज करवाने वाली हूँ बड़े साइज के लिए क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रिटी है. आई डोंट वांट कि ये रिटर्न जाए. इस आदमी आपको मिल जाता है एक दुपट्टा. तो ये पूरा एंटायर सेट आपको मिलता है एंड आई लव लव हैविंग सेट्स. इसका दुपट्टा भी कितना प्रिटी है देख लो. इसमें पूरी मस्त वाली डिटेलिंग है और छोटे छोटे इसमें सीक्विन के वर्क किए हुए हैं. फंक्शन रेडी टाइप का ये सेट है. अगर आपको भी फंक्शन में जा रहे हैं, कोई एज अ वेडिंग गेस्ट भी जा रहे हैं तो ये बहुत ही प्रिटी लगेगी. एकदम क्लासी सी है सेट है. ये मुझे 744 रुपीज में पड़ा एंड आई एब्सोल्युटली लव द स्टाइल, लव द कलर. बहुत ही प्रिटी है. 2 कलर अलग आया है लेकिन कलर बहुत ही प्रिटी है एंड इसमें आपको कलर ऑप्शन भी बहुत सारे मिल जाएंगे. पर साइज चार अच्छे से देख लेना एंड आई थिंक सो दैट इज प्रिटी मच इट. मैं यहीं पे रैप अप करूंगी इस वीडियो को एंड मैंने सारी डिटेल्स आपको दे दी है.
आपको अगर कोड से सर्च करना है तो आप कोड से इजीली सर्च कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने आपको लिंक दे दी और ये आइटम अगर आउट ऑफ स्टॉक रहा तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, इसलिए मैं कोड हमेशा प्रोवाइड करती हूँ। एंड इसका अगर आपको स्टाइलिंग वगैरह देखना है तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डालूंगी, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी डालूंगी। तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है rathortanisha_, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं अगर आपको कोई भी तरह की स्टाइलिंग वगैरह देखनी हो। एंड दैट इज प्रीटी मच इट, आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।